अभी हम रायगंज अयोध्या के एक प्राथमिक विद्यालय में हैं। आम जनजीवन को दिखाते हुए अगर विद्यालय पक्ष छूट जाए तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए हम दिखाते हैं यहाँ का सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है, यहाँ की पढ़ाई लिखाई, यहाँ के शिक्षकों से बात करते हैं और यहाँ के बच्चों से बात करते हैं। तुमको सुना, अभी अपना बोल नहीं रहता आ गया। अरे भैया शर्माओ ना, बोलो। देखो एक बात बताए, मैम लोग आई है रिसर्च करने के लिए, ठीक है? जो होता है स्कूल में वो आप बताओ। हाँ। तुम्हारा इसमें जिसे नहीं रखना, ये देखना हो तो देख सागर तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। जो तेरी होवे पूर्ण दया दया निधि, जो पूर्ण होता आई है मनोरथ सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। इंडिया इज ए बिग कंट्री, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, द कंट्री ऑफ इंडिया इज वेरी फेमस, इंडिया इज माई मदर कंट्री, आई लव माई कंट्री वेरी मच। ये पोएम है? यस मैम। कौन बताया ये पोएम है? कौन सी बुक से पढ़ाया तुमने ये? मैंने कोचिंग पढ़ने जाते थे वाली मैं बताई है। तुम कोचिंग भी पढ़ते हो? नहीं, मैंने पहले पढ़ने जाते थे, अब नहीं पढ़ते। कहाँ पर? मंदिर काशीराम में। तो ये तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पोयम है, तो किताब से जो पढ़ाते हैं? पोयम है या निबंध है ये बताओ। पोयम है। फिर से सुनाओ। India is a big country, it is very beautiful, the country of India is very famous, India is my mother country, I love my country very much। भैया ये पोयम नहीं है, ये आप पैराग्राफ कुछ बोल रहे हो, आपको निबंध बता रहे हैं। ऐसे है इंडिया पे, ये ऐसे है, आपको जैसे बताया ये पोयम ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? कक्षा एक और दो की क्लासेस इसमें चलती है और कक्षा चार व पाँच की क्लासेस इस क्लासरूम में चलती हैं। बैठ जाओ अपने अपने जगह पे। क्लासरूम आप देख सकते हैं, सजावट यहाँ पे। मैम कठिनाई नहीं होती है दो दो क्लास को एक साथ पढ़ाने में? नहीं, नहीं। तो एक ही टीचर दो क्लास वालों को पढ़ा लेते हैं एक बार में, या पहले जैसे चार वालों को पढ़ा लेते हैं, फिर चार वाले वही चीज रिपीट करते हैं, फिर पांच वालों को पढ़ाते हैं? तो पांच वाला तब तक क्या करता है जब तक चार वाला पढ़ता है? तो जैसे आज का देते हैं हम लोग, जैसे आज बच्चों आज पढ़ाए हैं, वो लोग तब तक याद करते हैं, तब तक हम चार वालों को पढ़ा लेते हैं, चार वालों को जो पढ़ा देते हैं वो बैठ के पढ़ने लगते हैं, तब पांच वालों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर मतलब अभी सरकारी टीचर दो ही हैं, एक प्रिंसिपल है और एक मैम है। यस। आप लोग यहाँ पे प्राइवेट टीचर हैं? नहीं, प्रिंसिपल सर भी कभी कभी पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल सर पढ़ाते हैं, आप लोगों को प्राइवेट रखा गया है पढ़ाने के लिए? अब प्राइवेट नहीं रखा गया, हम लोग उस पे हैं, मतलब खाली पढ़ाते हैं, पैसा ऐसा नहीं लेते। अच्छा, आप लोग पैसा नहीं लेते? अपने हिसाब अपने खुशी से आते हैं, बच्चों को शिक्षा देने। आप लोग रोजगार के लिए नहीं है? नहीं, मतलब टीचर्स का हमारे हिसाब से टीचर बढ़ने चाहिए, क्योंकि एक टीचर तो कितने टीचर हैं यहाँ पे इतने? इस समय अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल सर रहते हैं, एक सहाध्यापिका रहती, दो रहती हैं और सहाध्यापिका भी शायद छुट्टी पे ही हैं। सूर्य बात कर लो। और बाकी जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर हैं वो प्रिंसिपल सर अभी रहते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए काम से गए होंगे फिलहाल। और बोलने पढ़ने चाहिए दो से तीन, तीन चार तो होने चाहिए, क्योंकि एक क्लास में एक टीचर होना बहुत ज़रूरी है, कि बच्चे जिस लेवल के आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड में फैमिली भी थोड़ी वो रहती है, इलिटरेट, हाँ, तो उनके हिसाब से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी, टीचर्स की कमी है, कमी है, जरूरी है टीचर, हर एक क्लास में एक टीचर होना चाहिए, मेरा यही मानना है, क्योंकि दो टीचर की वजह से इतने पाँच क्लास फिफ्थ तक बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। जी जी, ये बात है। बाकी बच्चे अगर होनहार हैं, पढ़ने वाले हैं, तो कैसे भी पढ़ लेंगे। ये बात है। वॉशरूम किधर है? एक वॉशरूम है, एक तीन वॉशरूम है। ये बाथरूम है, धुलने वाला ये है, अच्छा ये शिक्षकों के लिए, स्टाफ्स के लिए। मैम तो है नहीं, उनका पेपर है बाहर में।
यहाँ की जो मैम है,